हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका राणा स्पेस में। और आज मैं आया हूँ करोल बाग में। आप देख सकते हैं ये करोल बाग की मार्केट और मेरी कार यहाँ खड़ी हुई है। तो करोल बाग में यही है कि आप अपनी पार्किंग लगाओ और काम कराओ। तो ये सीट कवर है चेंज कराने वाला हूँ। ये सीट कवर मेरा पहले का है जो पिछले साढ़े पाँच साल से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इनकी हालत कैसी हो गई है। सो मैंने डिसाइड किया मैं चेंज कराऊँगा। अब आप देखिए ये सीट कवर लगाने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। प्रोसेस से पहले इन्होंने पुराना वाला सीट कवर निकाला और ये ऐसी हालत है। अब मैं इसमें फॉर्मिंग करा रहा हूँ। तो ये फॉर्मिंग का कुछ 12 mm का टुकड़ा है जो इन्होंने काट के ऐसे लगा दिया है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है फ्रंट सीट में पैसेंजर सीट का काम कर रहे हैं। ये मेरा कवर है। देखो इन्होंने ये बकेट फिटिंग करी है पूरी फॉर्म के साथ। अब ये लगा रहे हैं। देखिए सो गाइज, ये एक बैठने वाली सीट जो है सिंगल अभी हो चुकी है। आप देखिए मैं फॉर्म चेक कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता था कि पहले मैं एक में चेक करूँ फिर आगे प्रोसीड करूँ। सो गाइज, अब बारी आ चुकी है पीछे वाले बैक सीट में बैक वाला एरिया को लगाने की। आप देखिए यहाँ पर भी वही किया इन्होंने, पहले पुराना सीट निकाला, अब ये फॉर्म लगा रहे हैं। सो गाइज, पीछे वाली सीट लगाने में काफ़ी मेहनत लगती है आप देखिए, बिकॉज उनको सारे रिंकल निकालने होते हैं। तो ये कैसे इसको कर रहे हैं। सो गाइज, अब बारी आ गई है पीछे वाले रेयर सीट में नीचे वाला पार्ट को लगाने की। आप देखिए यहाँ पर भी फॉर्म लगाया है मैंने। सो आप देख सकते हैं काम धीरे धीरे फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको कराने में काफ़ी टाइम लग गया है। अब ये देखिए फ्रंट सीट में मैं चेक करूँगा कुशनिंग, कैसी कुशनिंग है। रिंकल तो है लेकिन इन्होंने बाद में निकाल दिए थे। तो ये फाइनल स्टेप है, इसके बाद आगे देखते रहिए। सो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं करोल बाग से आ चुका हूँ और कल शाम को इवनिंग में ज़्यादा रात हो गई थी इसलिए आपको नहीं दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ। देखो ये सीट कवर लगने के बाद की लुक, ये मेरा सीट कवर पूरा लग चुका है, ये देखिए। सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो लगा है कुशनिंग। इतनी कुशनिंग मैंने पहले वाले सीट कवर में नहीं थी क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा फॉर्म लगवाया है। ये देखिए, ये है पैसेंजर साइड। आर्म रेस्ट थोड़ा सा मुझे लूज लग रहा है लेकिन ठीक है, इट्स गिविंग नाइस लुक। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने स्टीयरिंग कराया है, जैसे आप मेरे शॉर्ट देखे होंगे तो स्टीयरिंग भी रैप कराया है। तो स्टीयरिंग की आप देखो क्या फिनिशिंग है, ज़बरदस्त। चलो पीछे दिखाते हैं आपको। सो ये देखिए हेडरेस्ट एंड ये जो सीट कवर्स हैं पॉकेट्स हैं पीछे, एंड आप ये देखिए ये पीछे वाली सीट्स। यहाँ पर मैंने क्या कराया है कि पहले जो टीवी के जो सीट थी वो ऐसे नीचे जा रखी थी, तो मैंने यहाँ पर फॉर्म लगवाया, यहाँ पर नहीं लगाया। सो डैट ये थोड़ा फ्लैट हो गई, पहले ये ज़्यादा ऐसे थी इंक्लाइन, तो दिक्कत होती थी बैठने में। पीछे भी कुछ नहीं है, मस्त है ना। सो यही है ओवरऑल 5-seater। इसमें हेडरेस्ट है 2 और इसको पूरा सीट कवर मैंने लगाया प्रीमियम शाखा लेदर। चलिए फिर आगे बात करते हैं प्राइस और शॉप कहाँ पर है। सो गाइज, आई होप कि अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपने देखा कि मैंने ये सीट कवर्स करोल बाग में लगाए हैं और मेरी जो करोल बाग में जो स्टोरी है पहले की सीट कवर्स की, वो ये है कि ये गाड़ी मेरी जो है 7 years पुरानी है और जो प्रीवियस कवर्स थे मेरे वो मैंने बेसिक वाले, मतलब बेसिक थोड़े ऊपर वाले फैब्रिक्स ऊपर वाले जो है 3100 rupees के लगाए थे 2016 की स्टार्टिंग में। 2015 में गाड़ी ली थी मैंने, तो 15 में मैंने तब गाड़ी ली थी तो मैंने फैब्रिक कवर लगाए थे 1500 rupees के। उसको मैंने 5-6 महीने यूज़ किया, फिर इसका मतलब मैंने लगभग अप्रैल 2016 में यूज वो कवर लगाए थे जो अभी उतारे हैं मैंने 5.5 साल यूज़ करने के बाद। तो उन कवर की स्टोरी ये थी, वो 3100 rupees के थे और 3 महीने पहले मैं दोबारा से एक बार गया था करोल बाग कवर की पता करने। तो ये वाले जो कवर जो मैंने लगाए हैं, ये जो मुझे पसंद आया, ये जो क्वालिटी है बहुत सॉफ्ट लेदर है, ये मुझे दुकानों पर किसी ने 8.5, किसी ने 9, किसी ने पैडिंग के साथ 10 भी मुझे वो किया। ठीक है, स्टीयरिंग कवर के साथ साथ मुझे 12-13 हज़ार की कोटेशन भी मिली,
लेकिन ये जो पर्टिकुलर शॉप है आरबी इंटरप्राइज, मैं आपको दिखाऊंगा कार्ड, कार्ड दिखाऊंगा इसमें आपको, मेरे पास होगा यहाँ पर, व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ कि आपको जाना कहाँ पर है। तो इन्होंने क्या, ये मैंने वीडियो देखा था बकेट्स ऑन स्ट्रीट करके कोई चैनल है उस पर यूट्यूब पे, तो मैं इनके पास गया। इनके पास बेसिकली क्या है, इनके मैं रेट का बताऊं तो इनका रेट क्या है कि बेसिक कवर ये 2500 का कर देते हैं, बेसिक कवर बेसिक गाड़ी के लिए, छोटी गाड़ी जैसे अल्टो हो गई, वैगन आर हो गई, इन सब गाड़ियों के जो बेसिक छोटी गाड़ियां होती है, इनके 2500 से स्टार्ट होता है बेसिक क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी फिर 3500, जो 3500 वाला है वो है नापा लेदर, और जो 4500 है वो है शाखा लेदर, जो ये शाखा लेदर है वाली क्वालिटी। उसके बाद आती है मीडियम गाड़ी, मतलब जैसे इको स्पोर्ट्स हो गई, ब्रेजा हो गई, इन सब गाड़ी का, इसका प्राइस बेसिक के लिए स्टार्ट होता है 3500 से। फिर 3500 में बेसिक आ गया, 4500 में इनका नापा आ गया, 5500 में इनका शाखा आ गया। उसके बाद आ गई सारी बड़ी गाड़ी जिसमें 7 सीटर्स होती है, जैसे हमारी TUI हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, XUV700 हो गई, XUV500 हो गई, इन सब का बेसिक वाले जो स्टार्ट करते हैं 4500 से करते हैं। 4500 बेसिक हो गया, 5500 हो गया अपना नापा लेदर, और शाखा लेदर हो गया 6500, 5500-6500 ऐसे ही कुछ है। हो सकता है मेरी प्राइस में कुछ हो, लेकिन आप जो मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उससे आप पता करना कैसे क्या है। तो ये कुछ इनका वो है। तो मैं इनके पास गया, यहाँ पर जय तिवारी करके एक बंदे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि सर कैसे क्या है। मेरा बजट इतना था नहीं, क्योंकि मैं 3100 का पहले लगाया, तो मैं ऑब्वियसली बात है 9000-10000 का तो लगाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। 5 साल में 3100 का कवर पहले लगाया मैंने, यूज किया, तो मैं कैसे 10000 का यूज करूंगा। तो फिर भी मैं इनके लिए गया, मैंने ये मुझे ये कवर पसंद आया, ब्लैक कलर का अच्छा इसका वो था, तो ये शाखा लेदर था। मैंने उनको ये बोला, अब देखो मैंने क्या, एक्चुअली मैं इसको स्मार्टनेस बोलूंगा, पता नहीं आप लोग क्या बोलोगे। मेरी जो पीछे की एकदम लास्ट की जो दो सीटें हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, वो बच्चों के लिए और बहुत कम यूज होती है, मैंने पिछले 6 साल में देखा है बहुत कम यूज, उसको मैं फोल्ड करके ज्यादा यूज करता हूँ। तो उस पर कवर लगे हुए पुराने वाले, उसको मैंने सोचा कि वो यूज ही नहीं हुआ है तो उसको रहने दो। तो मैंने उससे जैसे बोला कि मुझे सिर्फ 5 सीटर की कवर चाहिए, तो आप बताओ इस बड़ी गाड़ी के लिए 5 सीटर की कवर कितने के दोगे। तो उन्होंने मुझे वही है, उसने बोला कि सर आपको पता है कि मीडियम गाड़ी के लिए हम लोग 3500 से स्टार्ट करते हैं, तो 4500 सॉरी मीडियम गाड़ी सॉरी लार्ज गाड़ी के लिए 4500 स्टार्ट करते हैं, 4500-5500-6500, आप 5500 दे देना, तो क्योंकि आप नापा ले रहे हो। तो मैं नापा देखने गया, मुझे नापा से अच्छा मुझे शाखा लगा, क्योंकि मुझे यही वाली क्वालिटी पहले पसंद आई थी जो मुझे 12-10-12 की कोट हुई थी। तो मैंने उनसे बोला ठीक है आप मुझे ये दे दो। तो यही है, आप यहाँ जाइए, ये पूरा दिन तो लगता है लगभग, कवर्स क्योंकि रेडी नहीं होते, कस्टमाइज भी कर सकते हो, अब ऑप्शन है आपके पास, तो आप टाइम निकाल के जाइए वहाँ पर और सारा काम कराइए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं आएगी तो मत कीजिए, कोई बात नहीं, क्या कर सकता कोई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉकिंग, बाय बाय, जय हिंद, एंड अपना ध्यान रखिए, मास्क पहने रखिए, बाय बाय।